नमस्कार दोस्तों, आज 20 जुलाई 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास कहां कहां के प्याज है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मण के रेट है, यहां जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का मण का रेट चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। और दोस्तों जो मेरी दिल्ली फ्रूट मार्केट प्ले स्टोर पे ऐप है वहाँ से आप उसको ऐप को डाउनलोड करके दिल्ली NCR में ताज़े फल मंगवा सकते हैं और जो आपको बिल्कुल एकदम घर पहुँच तक के रेट मिलेंगे। चलिए जानते हैं आज का प्याज का क्या बाजार चला, कहाँ कहाँ की कितनी गाड़ियाँ आई। सर जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार भाई जी, नमस्कार जी। बहू जी आज का क्या पोजीशन चली, ऊपर लगा लो जी, ऊपर और ऊपर थोड़ा। हाँ जी आज की क्या पोजीशन चली जी, कितनी गाड़ी हो रही मार्केट में, क्या मार्केट कह रही जी भाई साहब आज। हाँ जी हाँ जी, आज भाई साहब अराइवल है, ताजी अराइवल है 52 गाड़ी की। अच्छा जी, और 45 गाड़ी कल की खड़ी है। हाँ जी, और लगभग समझो 40-42 गाड़ी नीचे है। अच्छा जी, मतलब कुल मिला के नीचे ऊपर मिला के 125 गाड़ी माल है ये मान के चलो। आपके पास ये चार ही गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की है, ये कहाँ की गाड़ी है? ये भाई साहब ये है नासिक की गाड़ी, और ये कुचामन की है। कुचामन जी, हाँ जी हाँ जी, और इससे परली, और ये वाली इंदौर की है, और उससे परली जी वो अजमेर है। अच्छा जी अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो आज की क्या पोजीशन है जी, पहले बात बताओ जी। हाँ जी, लोग घबरा गए या डर गए, क्या बात हुई जी? देखो जी, डर सच्चा है झूठा है जी? ना ना, किसी को कोई डर नहीं है, ये किसान भी समझ रहा है, हर व्यापारी भी समझ रहा है कि आगे मार्केट जाके ठीक होनी होनी है, लेकिन घबराहट इस चीज से नहीं है, मार्केट से घबराहट लोगों को सिर्फ इससे है क्योंकि मालव रुक नहीं रहे। अच्छा जी, बरसातें सब जगह पड़ रही है, नासिक में भी MP में भी बरसातें अच्छी तरह हो रही हैं, मतलब समझो हफ्ते हफ्ते लोग दिन नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा जी, तो इसलिए प्याजें रुक नहीं रही हैं, इसलिए मजबूरी है किसान को, माल MP के किसानों को भी माल निकालना पड़ेगा और वो निकालना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, कई कल से कल परसों से कई किसानों के फोन आए। हाँ जी, और कई व्यापारियों के भी फोन आ रहे हैं कि जी जो किसान पहले नहीं दे रहे थे, भाव भी नहीं बता रहे थे। हाँ जी, अब उन किसानों के फोन आ रहे हैं, आ जाओ माल देख लो। ये कहीं उल्टी गेम तो नहीं पड़ने की जी? नहीं जी नहीं, उल्टी गेम नहीं। आपके मैंने देखिए आपके हर इंटरव्यू में मैंने आपको एक ही बात बोला है कि अभी ये पूरा जुलाई ऐसे निकल जाएगा, कोई जो पीछे लोग तेजी की रिपोर्ट दे रहे थे, मैंने उस दिन पीछे भी आपको कहा था कि अभी तेजी कोई नहीं समझे जुलाई में। हाँ जी, अभी मार्केट ऐसे ही चलेगी, कभी रुपए दो रुपए ऊपर, कभी रुपए अठाने नीचे। कब तक की है जी उम्मीद? ये पूरा जुलाई ऐसे चलेगी, अगस्त के फर्स्ट वीक से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, क्योंकि कारण क्या है कि प्याजें हम रुक नहीं रहे, प्याजें निकलेंगी और मार्केट में आएंगी। ये तो कमाल कर दिया जी, नीचे बैलेंस भी बढ़ता जा रहा जी, और ये गाड़ियां भी पूरी है जी, माल भी पूरा। कारण ये है कि देखिए मैं बताऊं आपको, माल तो उतना ही बिक रहा है, जो लोग अभी जैसे 3 दिन से 40-40 गाड़ी की सेल दिख रही है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि माल कम बिक रहा है, माल कम नहीं बिक रहा है, माल जितना बिक रहा था माल उतना ही बिक रहा है। अच्छा जी, इसमें फर्क इसलिए गिनती की काउंटिंग इसलिए कमा रही कि पहले राजस्थान की कुचामन साइड की 25-30 गाड़ी माल आ रहा था। हाँ जी, तो इन गाड़ियों में माल होता है, किसी में 250 कट्टा होता है, किसी में 300 कट्टा होता है। अच्छा जी, तो ये गाड़ियाँ इस वजह से ये गाड़ियों की गिनती ज़्यादा हो जाती थी। अच्छा जी, राजस्थान की गाड़ियाँ अब कम आ रही हैं, आज भी ताजी 8 गाड़ी है, 4-5 गाड़ी कल की हैं। हाँ जी, मतलब आज की 15 गाड़ी हैं। अच्छा, आज ज़्यादा आया है, नहीं तो कल तो 8 ही गाड़ी थी राजस्थान की। हाँ जी, तो इस वजह से क्योंकि राजस्थान की 250-300 गाड़ी कट्टे का गाड़ी होती है, ये बिक जाती है तो गिनती में आ जाती है कि जी 55 गाड़ी बिक गई, 60 गाड़ी बिक गई, ऐसा नहीं। हाँ जी, माल तो उतना ही बिक रहा है। हाँ, अभी 2-3 दिन से जो पीछे राजस्थान कम आ रहा था। हाँ जी हाँ जी, और तो ये MP और नासिक पूना यही माल बिक रहे थे। हाँ जी, तो इसलिए अब ये गाड़ियाँ होती है 25-30 टन की, तो इसलिए वो गिनती में देखने में 40 गाड़ी की काउंटिंग आ रही है। हाँ जी, माल लगभग लगभग उतना ही बिक रहा है जितना पिछले हफ्ते में बिक रहा था, और मंडियों में ज़्यादा बढ़ गया जी अभी है। तो इसलिए बढ़ गया ना क्योंकि अराइवल राजस्थान की बेसिक अराइवल कम रही, लेकिन देसावरी माल को मालों की अराइवल बढ़ी है ना। हाँ जी भाई, कल नासिक की खड़ी गाड़ियाँ 43 गाड़ी कल खड़ी थी, 23 गाड़ी ताजी थी, 20 गाड़ी परसों की खड़ी थी। हाँ जी, तो गिनती तो 43 गाड़ी की आ गई ना। तो इसी तरह से अब आज भी देख लिया, आज भी जो है वो 31 गाड़ी नासिक है इसमें खड़ी गाड़ियों में। हाँ जी, और 19 गाड़ी पूना है, 24 गाड़ी MP है। हाँ, तो दिसावर मिला के कितना हो गया, 24, 19, 43 और 31। हाँ जी, 74 गाड़ी तो यही हो गया। अच्छा जी, राजस्थान की है कितनी, 23 गाड़ी कल की बैलेंस, और आज की ताजी लेके 15 गाड़ी ताजी, 8 गाड़ी कल की लेके, 23 गाड़ी है राजस्थान। अच्छा जी, और 74 गाड़ी दिसावर वाली हो गई, तो बिक्री वही 40-40 गाड़ी के आसपास आज भी उतना ही बिकना है।
नहीं इतना सारी जो है दो चार पांच गाड़ी फालतू गिनती में आ सकती है, अगर राजस्थान ज्यादा बिक गया तो चार पांच गाड़ी की गिनती ज्यादा आ जाएगी, पांच सात गाड़ी। मेरे तो समझते बाहर हो गया जी, ना तो सब्जियां खाने को है और सब्जियों का रेट आसमान में है। सबसे सस्ता आलू और प्याज और बरसात का महीना और यही खाया जाता और इन्हीं दोनों चीजों का जुत्ते लग रहे। तो भाई साहब आलू के रायल मंडी में बढ़ गए और देखो इस समय सावन चल रहा है। हाँ जी कांवड़ तो खत्म हो गई लेकिन सावन तो चल ही रहा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सावन में नहीं खाते हैं प्याज। चलो कितने हैं जी नहीं खाएंगे नहीं, जो भी है लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बिक्री जिस हिसाब से चल रही थी बिक्री लगभग लगभग वैसे ही है। आलू का प्याज का यही हाल हो लिया, दोनों की जो आवक बढ़ गई मंडी में। आवक बढ़ गई उसका कारण यह है कि पीछे से निकासी भी बढ़ रही है ना भाई साहब। अच्छा पीछे नासिक की मंडियों में भी अराइवल बढ़ी है और अब एमपी में भी अराइवल बढ़ रही है। लोग क्या खा के जी रहे जो आलू प्याज भी नहीं खा रहे जी, अभी इतनी सब्जी इतने महंगे उसमें क्या खा रहे जी ऐसा ये? देखो जी जो जिसको आलू प्याज खाना है वो आलू प्याज भी खाता है और जिसको फ्रूट खाना है वो फ्रूट खाता है, जिसको हरी सब्जियाँ खानी हरी सब्जियाँ भी खाता है वो खाएगा। बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट जैसी चल रही है मार्केट अभी ऐसे ही चलेगी ये मान लो पूरा जुलाई। अच्छा अगस्त के फर्स्ट वीक से या सेकंड वीक से इम्प्रूवमेंट इसमें आना चालू हो जाएगा अगस्त। आज ये गाड़ी कहाँ की बताई दीजिए आपने? ये नासिक की थी जी। इसका क्या बाजार चला नासिक के जी? ये भाई साहब ये आपके पीछे वाला माल है ये वाले। हाँ हाँ जी ये गाड़ी बिकी है भाई साहब 520 रुपए से लेके 550 रुपए तक। 520 से 550 रुपए माल। हाँ हाँ तो कितने रुपए किलो बैठ गया? ये हो गया जी 13 से 14 रुपया। और जो इसके बढ़िया नासिक के? जो बढ़िया नासिक है जी वो बिक रहा है 15-16 रुपया। अच्छा जी हाँ जी जी कोई एक्स्ट्रा सुपर हो तो वो 18 रुपए बिक जाता है, ऐसा नहीं है कि सुपर नहीं बिक रहा है, सुपर 18 रुपए बिक रहा है। पूना भी, पूना का भी यही सेम पोजीशन है, पूना भी आप ये मान के चलो 16.5 रुपए से लेके और 22 रुपए तक बिका है पूना। अच्छा जी कल भी बिका था आज भी बिके हैं। अच्छा। ऐसे ही इंदौर के, अब जो इंदौर के माल है क्योंकि लाट वाइज माल आते हैं हर क्वालिटी के माल होते हैं। हाँ जी इसमें भी 15 रुपए से लेके और आप समझो 19 रुपए तक बिका है। अच्छा एक लाट 750 रुपए का भी बिका है इसी में, समझो 19 रुपए हो गए। हाँ जी वो लड़का जाओ बैठा उसके पीछे ढेरी है बेटा जरा सा। अच्छा ये वाला जी। हाँ ये वाला ये 19 रुपए बिका है माल है। अच्छा जी अच्छा ये जहाँ ये बैठे उसके सामने वाला वो 700 रुपए बिका है, वो समझो 17.5 रुपए हो गया। अच्छा जी तो ऐसे ये 15 रुपए से लेके 19 रुपए तक बिक रहा है, तो माल की एज पर क्वालिटी का रेट है। अच्छा जी अब ऐसे राजस्थान एक 400 रुपए का बिक रहा है, एक 700 रुपए का भी बिक रहा है। कुचामन वाला क्या माल गया जी? कुचामन वाला बताता हूँ ना आपकी, अब ये देखिए ना ये वाला माल बिका है 500 रुपए का। अच्छा जी और ये 450 रुपए का बिक रहा है ये वाला जी। हाँ जी हाँ जी और बढ़िया बढ़िया माल जो है 700 रुपए भी बिके हैं। अच्छा जी कुचामन के, कुचामन के यही हाल अजमेर का है, अजमेर भी 600 रुपए से लेके 700 रुपए तक बिक रहा है। अच्छा जी कोई और बढ़िया आ जाता है मोटा माल आ जाता है 700 से ऊपर 750 भी बिक जाता है। हाँ जी तो क्वालिटी का रेट है और ये जो रेट चल रहा है अभी रेट ऐसे ही चलेंगे लगभग। अच्छा जी बस कभी ये अराइवल कम रहेगी तो रुपये 2 रुपये बढ़ जाएगा, अराइवल बढ़ जाएगी रुपये 8-9 ढीला हो जाएगा, ऐसे ही मार्केट अभी ये निकल जाएगी 10-12 दिन 15 दिन और निकल जाएगा। कहीं बाद में गेम तो नहीं पलटने की जी कभी ज्यादा सारे मारे जाएं जी? नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी पीछे जैसे लोग कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नई प्याज आ गई नई प्याज आ गई, नई प्याज अभी कहीं से कोई नहीं आने वाली है, सबसे पहले कोल्हापुर दही बड़ी वाला इलाका निकलता है। हाँ जी वो भी वो बहुत लंबा नहीं चलता, वो 15-20 दिन का चलता है, वहाँ की अभी खैर रिपोर्ट नहीं मिली है। अच्छा बाकी कर्नाटक की अभी बेंगलोर वगैरह साइड की उधर साइड से भी कोई प्याज नहीं निकलने वाली है, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं गलत फैला रहे हैं, अभी वो पूरे अगस्त भी नहीं निकलनी है, वो जाके निकलनी चालू होगी सितंबर 15-20 सितंबर के बाद। अच्छा जी एक्चुअल वो अच्छा एक तो फसल कम लगी है और वो भी लेट लगी है, अभी उसका भी देखो होता क्या है जो मौसम का जो हिसाब किताब मिजाज चल रहा है आगे कैसी निकलती है कैसी नहीं निकलती। हाँ जी तो जाके सितंबर के मतलब 15-20 सितंबर के बाद निकलनी चालू होगी, वो अक्टूबर में आएगी वो मार्केट में। अच्छा जी अगर सही सलामत निकल गई तो, अगर कहीं बरसात ने कुछ कर दिया तो अलग बात है। अच्छा जी और इधर ये जो नासिक और एमपी की ये जो प्याजे है हाँ जी ये अब नहीं रुक रही है, अब किसान इनको निकालना चालू कर रहा है क्योंकि बरसातें ज्यादा पड़ रही है माले खराब हो रहे हैं, ये माल सारे मजबूरी में आ रहे जी, इसे सब मजबूरी में आ रहे जी। अब ये देखो ये भी एक नासिक है। अच्छा जी ये मैं 500 रुपए का दे रहा हूँ कोई ले ले। अच्छा जी 500 रुपए ग्राहक नहीं पकड़ने को तैयार है, ये नासिक है ये भी नासिक है, तो क्वालिटी का रेट है भाई साहब, माल रुक नहीं रहे हैं इसलिए अब किसान की मजबूरी है, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान है चाहे एमपी का किसान है वो निकालेगा। अच्छा जी और वो अभी ये निकल के आएंगी तो अभी 15 अभी जब निकलेंगे ये तो मार्केट में आएगा तो जाहिर से मार्केट पर दबाव रहेगा तो अच्छा, पिछले 2 महीने गए जी या 1.5-2 महीना गया, इसमें ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसानों ने माल ना बेचो और मार्केट तेज गई हो? नहीं अभी पीछे क्या हुआ था, पीछे थोड़ा सा गैप आया था ना, पीछे एमपी वगैरह में रैबल सब कट गई थी, इंदौर वगैरह में 40-50 हज़ार कट्टे की रैबल आ रही थी। हाँ जी और वहाँ की लोकल मंडियों में भी रैबल कम थी। हाँ जी तो इसी वजह से एकदम से थोड़ा सा रेट
इम्प्रूव हुआ था। और जो आपकी वो बिनचूर में दुकान है वहाँ पर, बिनचूर वगैरह देखो जी, वहाँ तो वही अभी भी मार्केट वही चल रही है 9-10 रुपए से लेके और 14-15 रुपए की। अच्छा जी, तो वहाँ भी अब क्या है जो 14-15 रुपए वाले 16 रुपए वाले माल है वो जो लोग लेके रख रहे हैं, हाँ जी वो वाले माल है, एक नंबर वाले माल है। अच्छा जी, और जो जनरल जो चालू वाले माल है, हाँ जी, वो जो 8-9 रुपए 10 रुपए वाले माल है वही तो आके यहाँ बिक रहे हैं, जो ये 550-600 रुपए 14-15 रुपए बिक रहे हैं वही वाले माल है। अच्छा जी, तो माल का अच्छा, क्योंकि माल रुक नहीं रहा है, क्वालिटी हाँ बिगड़ रही है, तो किसान को निकालना ही पड़ेगा, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो चाहे एमपी का किसान हो। ये जो बरसात में ये जो छोटे माल है बांग्लादेश जा रहे हैं अभी? हाँ जी, बॉर्डर तो जा ही रहा है, बॉर्डर तो खुला है। बॉर्डर पे कितनी गाड़ियाँ जा रही जी? बॉर्डर पे देखो जी लगभग वहाँ से 200-250 गाड़ी माल तो डेली निकल ही रहा है। कमाल की बात है जी, 200-250 गाड़ी हर रोज निकल रही, फिर भी प्याज का रेट नहीं उठ रहा। तो भाई साहब 200-250 गाड़ी निकल रही थी अराइवल पे, तो देखो नासिक की एक एक मंडी में 12-12, 14-14 सोनक 15-15 सोनक की अराइवल हो रही है। अच्छा जी, तो वो बॉर्डर वगैरह सब जगह जा रहा है, तभी तो ये खबर है, तभी तो मार्केट रुकी हुई है, नहीं तो जितनी अराइवल हो रही जिस हिसाब से अराइवल हो रही है नासिक के मंडियों में और जगह, अगर बॉर्डर भी ना खुला होता और ये माल का उठाव ना होता हाँ जी, तो मार्केट तो नीचे आ जाता। और जी जो सरकार का गद्दा खड़क जाए, जैसे पाकिस्तान की गेल होता है और कभी बांग्लादेश गेल हो जाए तो मैं आपको प्याज का बुरा हाल हो जाए जी। कैसे जी? जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा प्याज जाता नहीं पाकिस्तान में सीधा, कभी बांग्लादेश की भी भविष्य में कभी कोई ऐसी बात हो गई तो प्याज जाना बंद हो जाए, फिर क्या होएगा जी? भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता, भविष्य की तो भविष्य में देखा जाएगा। पीछे बॉर्डर बंद हुआ था, हाँ जब तक बॉर्डर नहीं खुला था तब तक तो मंदा ही था, जाहिर सी बात है, क्योंकि हाँ वो 200-250 गाड़ी तो देखने में जाती है, लगभग 300-350 गाड़ी माल बांग्लादेश डेली जाता है। अच्छा जी, क्योंकि कई बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ से जो गिनती में काउंटिंग में नहीं आते हैं वहाँ से माल जाते हैं। अच्छा जी, तो ऐसा नहीं है 300-350 गाड़ी माल जाता है और मंडियों में सब जगह अराइवल है, किसान अब माल निकाल रहा है, क्योंकि किसानों को माल निकालना पड़ेगा, क्यों बरसात इतनी है, माल अब उनका खराब हो रहा है, रुक नहीं रहा है। जो आपने बताया ये 1400-1500 रुपए कट्टे हर रोज मंडी में आ रही वहाँ पर अपने महाराष्ट्र में, तो ऐसी छोटी बड़ी मंडी है कितनी होगी जी महाराष्ट्र में? वहाँ तो देखो जी मंडियों की वहाँ तो गिनती करना ही मुश्किल है। अच्छा जी, बहुत मंडी है वहाँ, हर 20 किलोमीटर पे एक मंडी है जी, हर 20 किलोमीटर पे एक मंडी है। अच्छा जी, और कोई कोई कहीं कहीं तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस में नहीं है, 10-15 किलोमीटर पे ही मंडी है। अब जैसे लासलगांव और बिनचूर में कुल मात्र 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। अच्छा जी, तो जितना 1500 नग अगर लासलगांव में आता है तो 1200-1300 नग बिनचूर में भी हो जाता है। अच्छा जी, तो दोनों जगह मिला के कितना हो गया, 2500-3000 नग हो गया। हाँ जी, वहाँ से 15 किलोमीटर एवला है, 20 किलोमीटर निफाड़ है, तो वहाँ तो हर 15-20 किलोमीटर स्पेशल मिला के जो स्पेशल मंडी है 200-250 मंडी है तो होगी जी स्पेशल अलग जो प्याज की हैं? नहीं, ये सब प्याज की मंडी है भाई साहब, 200-250 मंडी होंगी जी टोटल। हाँ इतना तो होंगी कम से कम भाई साहब, बता रहा हूँ आपको, हर 15-20 किलोमीटर मंडी है वहाँ महाराष्ट्र में। हाँ जी हाँ जी, और एमपी का तो यही निंदा, अभी एमपी में भी मंडियाँ बहुत हो गई जी। अच्छा जी, पहले क्या था जैसे शाजापुर मंडी थी, सुजालपुर मंडी थी, उधर इंदौर था, अब क्या है वहाँ भी तमाम मंडियाँ हो गई सारी, अदनिया में मंडी हो गई। अच्छा जी, और आप क्या कहते हैं मतलब कई मंडियाँ हो गई वहाँ, अब वहाँ भी 20-20 किलोमीटर पे मंडियाँ हो गई, बहुत मंडी हो गई वहाँ भी। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, चले देखते हैं जी अभी तो क्या रहेगा क्या नहीं, कभी ये एमपी वाले बाद में खजाना खजूरना ना खोल दे जी पिछले साल की तरह। मुझे तो डर सा लगने लग गया, डर इसलिए लगता है ताकि लोग ये ना कह दे कि तुमने रखवाया था तुमने रखवाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी नहीं तक तो माल रुका नहीं, अभी तक तो माल रुका नहीं। भाई साहब मैं पहले से आपको पहले से बताता चल रहा हूँ कि देखो एक्चुअल सही पोजीशन चेंज होगी जाके 15 अगस्त के बाद, और यही बात आप देख रहे हो कि मैं 15 दिन से आपके हर वीडियो में एक ही बात बता रहा हूँ कि जिनका माल रुकने वाला नहीं है वो टाइम से अपना निकालते रहें, उनको रोकने का कोई बात। हाँ जिनका माल बढ़िया है जो ये इतना रोक सकते हैं कि हाँ वो अगस्त सितंबर दिखा सकते हैं वही माल को रोके, जिनका माल रुकने वाला नहीं है वो ना रोके, वो अपना निकालते रहे। एक भी नहीं रखते, अभी कोई उम्मीद नहीं है समझ लो। हाँ जी, ये 20 दिन तो लगा लो जी, 20 दिन तो पक्का मान के चलो जी। अच्छा जी, 15-20 दिन जब तक ये मंडियों से रायबलों का प्रेशर, पीछे मंडियों पे रायबल का प्रेशर नहीं कटना कम होगा तब तक मार्केट जैसी चल रही है ऐसे ही चलेगी, कभी रुपये 2 रुपये ऊपर कभी रुपये 8 आने नीचे। अच्छा जी, हाँ जी, चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत धन्यवाद जी। जानकारी सर जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी? हाँ जी हाँ जी, आरजी ट्रेडर्स, दुकान नंबर A991 सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3737 और मोबाइल नंबर है 98110 1539। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी।